वीवर्स इस आदमी को एक ऐसा अनोखा मोबाइल मिलता है जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के मैसेज भेजता था जैसे कि लॉटरी में कौन जीतेगा किस कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन एंड में ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये बातें नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच गई थी कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम का एक इंजीनियर दिखाया जाता है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था मैक्स तो सारा काम खत्म करके अपने घर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा होता है पर तभी मैक्स जिस होटल में रुका हुआ था उसे काउंटर पर से एक पार्सल मिलता है आखिर ये पार्सल किसने भेजा था मैक्स को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता मैक्स जब कमरे में आकर उस पार्सल को ओपन करता है तब उसके अंदर मैक्स को एक छोटा सा मोबाइल मिला था हालांकि अभी 2009 का समय चालू था लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी और तो और ये मोबाइल जो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट था वो बाकी मोबाइल से काफी एडवांस दिख रहा था मैक्स जब मोबाइल को एक्टिवेट करता है तब तो उसके अंदर मैक्स को एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई दिया था जिसमें लिखा होता है कि होटल में सारी चीजें 50% ऑफ होने वाली हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए मैक्स ने अपनी अमेरिका की फ्लाइट कैंसिल कर दी थी हालांकि वो इस मैसेज पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा था पर तभी भी उसे ऑफर का फायदा उठाना था अब अगले दिन जब मैक्स होटल में बैठकर न्यूज देख रहा था तभी उसे पता चलता है कि अमेरिका जाने वाली एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं बचा मैक्स चौक गया था क्योंकि वो इसी फ्लाइट में से अमेरिका जाने वाला था यानी कि मोबाइल पर आए उस मैसेज ने मैक्स की जान बचा दी अब उसी मोबाइल में एक और मैसेज आता है जिसमे लिखा था सेजोर कंपनी के शेयर जल्द ऐसी जल्द बढ़ने वाले है मैक्स इस बात को एक अफवाह मान लेता है पर घंटों में मैक्स को ये पता चल गया था कि सेजोर कंपनी के शेयर सच में आसमान छू रहे हैं और अगर थोड़ी देर पहले मैक्स ने इस न्यूज को सच समझ कर सेजोर के खरीद होते ना, तब आज वो एक करोड़पति होता मैक्स को इतना तो आइडिया हो गया था की इस मोबाइल में जो भी मैसेजेस आते हैं वो पूरी तरीके ऐसी सही होंगे इसीलिए अब मैक्स मोबाइल के सारे मैसेजेस को फॉलो करने लगता है अगले दिन मैक्स को उसी मोबाइल पे एक मैसेज आया था कि वो प्राग के एक कसिनो में चले जाए मैक्स बिना देरी किए उस कसिनो के अंदर चला गया था साथ साथ मैक्स इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करता है कि इस मोबाइल का पार्सल आखिर किसने भेजा अब कसिनो में आने के बाद वो मोबाइल मैक्स को बताती है कि तुम्हें मशीन नंबर थर्टीन पे जाकर खेलना होगा मैक्स तुरंत मशीन नंबर पे चले जाता है है और अपना लक लग आजमाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही मैक्स का लग गया था उसने मशीन के अंदर पूरे एक लाख यूरोस जीत लिए थे मैक्स इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है पर कसिनो की सिक्योरिटी में काम करने वाला जॉन नाम का एक एम्प्लॉयी मैक्स के ऊपर शक करने लगता है मोबाइल में जैसे जैसे मैसेजेस आते जा रहे थे मैक्स उन्हें फॉलो करके पैसे लगातार जीतता ही जा रहा था इतने कम वक्त में मैक्स ने कई लाखों यूरोस जीत लिए थे पर अब जॉन को सिक्योरिटी कैमरा में ये दिखाई देता है कि जॉन अपना दाव लगाने से पहले अपना मोबाइल चेक कर रहा था इसीलिए सिक्योरिटी वाले जॉन को ये वार्निंग देते हैं कि वो गेम खेलते टाइम अपना मोबाइल बाहर नहीं निकाल सकता इसके बाद मैक्स तुरंत कसिनो से बाहर निकल जाता है मैक्स एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम यूरी था उसे कॉल लगाकर एक ऐसे वायरलेस डिवाइस की मांग करता है जिससे की वो अपने मोबाइल में आ रहे सारे मैसेज की ऑडियो सुन सकता था यूरी कह रहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा इसीलिए अब मैक्स अपने होटल के अंदर जाता रहता है तभी उसे अपने सामने दो कपल लड़ते हुए दिखाई दिए थे मैक्स को लगा की इन दोनों की लड़ाई छुड़ानी चाहिए पर जब वो उनके पास गया तब मैक्स की उस दूसरे आदमी ऐसी लड़ाई हो गयी थी वो दोनों आपस में काफी ज्यादा झगड़ा करते हैं वो लड़की जिसका नाम कैमला था उसने मैक्स के मोबाइल का सिम कार्ड कॉपी कर लिया था यानी कि वो दोनों भी सिक्योरिटी के ही आदमी थे वो दूसरा आदमी तो चला जाता है लेकिन जब मैक्स उठा तब कैमेला उसके साथ थी मैक्स को क्या मिला काफी पसंद आने लगती है इसीलिए मैक्स कैमला को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था कैमला ने कहा कि वो जरूर आएगी अब मैक्स अपने टैक्सी ड्राइवर यूरी के पास आ गया था जहाँ से उसने वायरलेस डिवाइस ले लिया होता है यानी कि अब मैक्स मोबाइल पर आ रहे सारे मैसेजेस को ऑडियो की वजह से सुन सकता था मैक्स सीधा कसिनो के अंदर आ जाता है और अब तो वो मोबाइल पर आने वाली सारी चीजों को सुनकर वो सारी चीजें करने लगा था जिससे की देखते ही देखते मैक्स ने तीस लाख यूरो जीत लिए थे सभी लोग खड़े होकर मैक्स के लिए ताली बजाने लगते है पर अब जॉन अपने सिक्योरिटी वालों के साथ

अब यहां दूसरी तरफ मैक्स और कैमेला एक दूसरे से काफी क्लोज हो जाते हैं वो दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे एक दिन मैक्स अपने लैपटॉप पर एक्लॉन सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था कि एक्लॉन कंप्यूटर इतना पावरफुल है ना कि वो देश के सारे लोगों के मोबाइल फोन को एक्सेस कर सकता है साथ ही साथ वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर ऑनलाइन भी आ सकता है हालांकि इन सारी चीजों के बारे में कैमला को पहले से पता था लेकिन वो मैक्स को कुछ भी नहीं बताती तभी कैमला की नजर खिड़की पर जाती है जहाँ पर एक आदमी स्नाइपर लेकर एम लगा रहा था उसका निशाना एकदम मैक्स के ऊपर था इसीलिए अब कैमला फायर होने से पहले ही मैक्स को बचा लेती है क्योंकि कैमला रियलिटी में मैक्स से प्यार करने लगी होती है पर अब मैक्स को मारने के लिए वहाँ पर दो एफ एजेंट आ जाते हैं कैमला को जब इस बात का पता चला तब उसने एक एफ एजेंट को तो मार दिया होता है लेकिन दूसरा एफ एजेंट घर में घुसकर कैमला पर वार करने लगा था मैक्स तो तुरंत उठकर कैमला की मदद करने लगा था इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद बचे हुए एफ एजेंट को भी मार देते हैं उस जगह पर जॉन भी आ गया था जो कैमरा और मैक्स को लेकर अपनी कार में निकल जाता है जॉन मैक्स को सुपर कंप्यूटर के बारे में सच्चाई बता रहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये सारी चीजें कंप्यूटर ही कर रहा है पर इस खबर की वो लोग गारंटी नहीं दे सकते इसीलिए मैक्स टेक्नोलॉजी वाली बातों के बारे में पता लगाने के लिए अपने दोस्त यूरी के पास चला जाता है पहले तो यूरी जॉन को देख जो की एफ एजेंट था उनकी मदद करने ऐसी इनकार कर रहा था लेकिन थोड़ा धमकाने के बाद यूरी तैयार हो जाता है यूरी ने मोबाइल फोन में आ रहे उन सारे मैसेजेस की बहुत सारी रिसर्च की तब जाकर उसे असली रियलिटी का पता चला यूरी जॉन और मैक्स को डिटेल में बताता है कि वो सारे मैसेजेस और कोई नहीं बल्कि एकलॉन कंप्यूटर कर रहा है एकलोन कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता था उसे प्लेन में हो रही गड़बड़ी के बारे में पहले से ही पता चल गया था इसीलिए उसने मैक्स को मैसेज भेज प्लेन में जाने ऐसी मना कर दिया सीजोर कंपनी के ओनर के चैट पढ़ने की वजह ऐसी कंप्यूटर को पता था की शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे और इसी तरीके ऐसी उसने मैक्स को मैसेज भेज दिया साथ ही साथ वो सारे मैसेजेस जिसकी मदद से मैक्स कसिनो में जीता जा रहा था उसे कंप्यूटर में इंटरनेट की मदद से पता लगा लिया था और अगर कंप्यूटर के सिस्टम को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो पूरी दुनिया के मोबाइल में फैल जाएगा और फिर कब्जा कर लेगा वो सब इस बारे में बात रहे होते हैं तभी नेशनल मारने के लिए उस जगह आरोप पहुँच जाते हैं जॉन मैक्स को लेकर पीछे वाले दरवाजे ऐसी गाड़ी की मदद ऐसी भागते रहता है एफ वाले जिनके टीम में डेव भी शामिल था वो लगातार मैक्स की गाड़ी का पीछा करते ही रहते हैं लेकिन अब एक रेलवे ट्रैक आरोप आने के बाद उन सभी को

ये वही जगह थी जहाँ पर मैक्स पहले काम किया करता था वहाँ पर एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसका एक्लॉन सुपर कंप्यूटर ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था इसीलिए अब माइक के कहने पर एक इंजीनियर जिसने की बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए थे वो एक्लॉन को हैंडल करने लगता है पर इसका कुछ भी फायदा ही नहीं था क्योंकि एकलॉन कंप्यूटर के सारी चीजें इंक्रिप्टेड थी माइक और वो इंजीनियर हार मान कर वहाँ से चले जाते हैं लेकिन मैक्स को भरोसा था की वो एक्लॉन कंप्यूटर के सिस्टम को क्रैक कर सकता है तभी उसके स्क्रीन पर एक्लॉन कंप्यूटर

कंप्यूटर का ये व्यू चेंज करता है क्योंकि उसने कहा कि अगर पब्लिक की प्राइवेसी तुम्हारे पास होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी और अगर किसी भी स्मार्ट हैकर ने इंटरनेट के अंदर लूप होल बनाकर एक भी प्राइवेसी अपने पास रख ली ना तब ये एक इनगल एक्ट माना जाएगा एक्लॉन सुपर कम्प्यूटर अपनी सारी एक्टिविटीज को रोक देता है क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया था कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती थी एक्लॉन सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने के बाद ये डिसीजन लेता है कि वो खुद के सारे सिस्टम को हमेशा की

इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन एक परसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरी ढूंढ कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीया